हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम ज्ञान बांटेंगे चार्जर्स के बारे में, चार्जर कैसे काम करती है। लेकिन उससे पहले एक अपडेट देता हूँ आपको। मैंने नया बैकग्राउंड लिया, एक फ्रेंड का रिचार्ज दुकान से लाया, तो इसमें क्या लिखा है, एयरटेल जोग दिन, मतलब एयरटेल के साथ जुड़ जाना, तो आप भी फ्री सर्किट लैब जोग दिन। खैर चलो वीडियो को शुरू करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि ये एक बहुत ही सिंपल मस्त वाला चार्जर है मेरे पास, और एक है कॉम्प्लेक्स चार्जर। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करके दिमाग खराब नहीं करेंगे, सिंपल चार्जर को लेंगे, सिंपल चार्जर कैसे काम करती है, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स चार्जर को भी दिखाएंगे कैसे काम करती है। तो इस वीडियो इस चार्जर के बारे में है। ओके दोस्तों, आपके लिए एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया और साथ में कुछ पर्चियां लिया है, आपको समझा के ही रहूंगा आज। आप बस वीडियो में जुड़े रहना, आपको मैं समझा के ही मानूंगा। दोस्तों पहले तो आपको दिखाऊंगा क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसमें, उससे पहले एक ऑटोग्राफ दे देते हैं। ओके दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा ही कंपोनेंट यूज किया गया है, जिसमें जितना कम हो सके उतना ही कंपोनेंट यूज किया गया है इसमें, इसलिए ये काफी सिंपल सर्किट है। दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका एसी इन हो रहा है, यहाँ पे फ्यूज भी नहीं दिया, साच ए ब्रिलियंट कंपनी चाइनीज। इसमें आपका लाइव इन हो रहा है, तो लाइव इन हमारा यहाँ से हो रहा है तो जाएगा एक डायोड में। ओके उसके बाद जा रहा है एक कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर है 2.2 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट की। ओके ये है, तो ये 2.2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 400 वोल्ट लिखा हुआ है, कोई बात नहीं चलो। उसके बाद ये जा रहा है एक सर्किट्री में, जहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगाया गया है, 13001 और S9014। ओके तो ये दो ट्रांजिस्टर है। उसके बाद ये एक ट्रांसफॉर्मर है और साथ में कुछ रजिस्टर वगैरह है, और इस तरफ एक ऑप्टो कपलर है, ये है ऑप्टो कपलर, ठीक है, या फिर आप फोटो कपलर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर ऑप्टो आइसोलेटर, बहुत सारा नाम से जाना जाता है। और आउटपुट साइड में आपको मिल रहा है एक डायोड, ये एक्चुअली जेनर डायोड की तरह दिखता है लेकिन जेनर डायोड नहीं है, ये 4148 का हाई स्पीड स्विचिंग डायोड है। और इसके पास एक कैपेसिटर है जिसमें ये स्टोर होती है आउटपुट की वोल्टेज, और ये ऑप्टो कपलर के साथ एक सर्किट्री बना हुआ है जो कि आपका वोल्टेज को फीडबैक देता है कि 5 वोल्ट आ गया, आप रुक जाओ स्विचिंग को, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आउटपुट में निकल जाती है वोल्टेज। ओके तो आप इसको फेंक देते हैं, अब इसको लेके हम देखेंगे कैसे ये काम करती है। ओके दोस्तों, ये डायग्राम बहुत दिनों से ड्रॉ किया हुआ था, इसलिए ये थोड़ा सा ब्लीड हो गया है कलर, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्मार्ट पीपल है, आप समझ लेंगे इसको। और इसका HD फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो आप समझाते हैं ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं, पहले वो देखना होगा। ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी रहती है, 170 टर्न रहती है इसमें, और रहती है एक 11 टर्न की ऑक्जिलियरी सेकेंडरी, और एक हमारा मेन सेकेंडरी 11 टर्न की ही है। ओके तो मेन सेकेंडरी से हम आउटपुट लेते हैं और ऑक्जिलियरी सेकेंडरी को यूज करते हैं इस सर्किट को चलाने के लिए। ओके तो आइए देखते हैं इस सर्किट के अंदर क्या है एक्चुअली। तो इसमें आपको पहले बात ये देखना है कि ये लाइव से जो एक डायोड से रेक्टिफिकेशन हुआ, तो यहाँ पर बनेगा आपका 311 वोल्ट। ओके 311 वोल्ट आपका बनेगा इस पॉइंट में, इस कैपेसिटर के ऊपर। ओके तो 220 अगर रेक्टिफाई होकर फिल्टर होके 311 वोल्ट बनती है, क्योंकि डीसी में 1.4 गुना ज़्यादा बनती है। जैसे कि 12 वोल्ट की आप ट्रांसफार्मर लेंगे, डीसी बनाएंगे तो 17 वोल्ट बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर वगैरह स्विचिंग की मैकेनिज्म है, तो उस मैकेनिज्म को फास्ट स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टअप रजिस्टर है, क्योंकि ये मैकेनिज्म मैंने पहले ही बोला, इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए पावर आती है इस ऑक्जिलियरी कॉइल से। तो पहले जब ट्रांसफार्मर ऑफ है तो इस ऑक्जिलियरी कॉइल में कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगी, फिर इसको पहली बार चलाने के लिए थोड़ा सा वोल्टेज की जरूरत है, इसलिए 311 वोल्ट से ही हम डायरेक्ट दे देते हैं 3.6 मेगा ओम से इस ट्रांजिस्टर की बेस में, ताकि ये थोड़ा सा ऑन हो जाए। ओके तो इसको समझाने के लिए आपको एक डायग्राम को मैंने थोड़ा सा बदल देता हूँ। ओके तो ये बन गया हमारा सिंपल डायग्राम। तो यहाँ से 3.6 मेगा ओम से एक आपका थोड़ा सा करंट आ गया इसकी बेस में, तो ये थोड़ा सा ऑन हो जाएगा। तो ये जो कॉयल है ये थोड़ा सा करंट कंडक्ट करने लगेगी, तभी इस कॉयल से थोड़ा सा ही वोल्टेज का आपका मिलेगा, थोड़ा सा ही वोल्टेज, तो वो वोल्टेज जाएगा एक कैपेसिटर के अंदर, तो उस कैपेसिटर के अंदर जाके इस बेस रजिस्टर में ये लग जाएगी। ओके तो ये 470 ओम जो है ये इसकी बेस रजिस्टर है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की किसी भी ट्रांजिस्टर को हम चलाते हैं तो बेस में एक रजिस्टर लगाना पड़ता है LED के तरह। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर जितना देर तक चार्ज होगी उतना ही देर तक ये ट्रांजिस्टर खुला रहेगा, जैसे कि इस LED में हो रहा है। इस कैपेसिटर के अंदर से LED को हम जब जलाते हैं तो कैपेसिटर जितना टाइम के लिए चार्ज होगी उतना ही टाइम के लिए LED एक बार पल्स करेगी, मतलब ये इस ट्रांसफार्मर में एक बार पल्स मिल गया इस कैपेसिटर जितना टाइम के लिए चार्ज हो रहा था। ये बहुत ही फास्ट होता है, हम ऐसे समझ नहीं पाएंगे,
क्योंकि ये बहुत ही फास्ट सर्किट होता है, हाई स्पीड। ओके, 25 से 30 किलो हर्ज में, मतलब एक सेकंड में 30,000 बार इसकी स्विचिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई एक बार ट्रांजिस्टर पल्स दे दिया, तो यही काफ़ी है एक चार्जर बनाने के लिए। ओके, तो इस सर्किट से एक चार्जर तो बनेगी, लेकिन इसकी वोल्टेज और करंट की लिमिटेशन नहीं रहेगी। इसमें कितना वोल्ट आएगी वो आप लिमिट नहीं कर पाओगे, हो सकता है इसमें 25 वोल्ट, 20 वोल्ट, 16 वोल्ट जो भी आ सकती है। ओके, तो इसलिए बाकी सर्किट जो है हमारा, बाकी एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, तो ये भी लगाया गया है करंट और वोल्टेज लिमिटिंग के लिए, बाकी सर्किट है। ओके, तो इस सर्किट को हम खोलते हैं और देखते हैं करंट लिमिटिंग कैसे किया जाता है। तो इस सर्किट में आपको पहले दिखा देता हूँ, इसकी जो एमिटर है ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है। देखिए ये ग्राउंड है आपका 311 वोल्ट की नेगेटिव इस कैपेसिटर की, तो ये एक्चुअली ग्राउंड ही है। तो इस ग्राउंड के साथ इसकी एमिटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे एक 12 ओम की रजिस्टर लगाया गया है ताकि इसमें थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाए इस 12 ओम रजिस्टर में। ओके, और आपको बता दूं यहाँ पर जो आपने देख रहे हैं ये वायर जंप किया, इसमें कनेक्टेड नहीं है। ओके, चलो तो ये 12 ओम लगाया गया है थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए। उसी से हमें पता चलेगा कि इस ट्रांजिस्टर के अंदर कितना करंट जा रहा है। वो करंट पता करने के लिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप को हम देखेंगे। तो इसी वोल्टेज ड्रॉप आपका दूसरा ट्रांजिस्टर को चलाएगा। ओके, तो दूसरा ट्रांजिस्टर आपका जो करंट लिमिटिंग के लिए लगाया गया है, तो ये ट्रांजिस्टर आपका काम करती है इसको ऑफ करने के लिए। देखिए ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये भी एनपीएन। तो इसकी बेस में मान लीजिए ये जो सर्किट दिया हुआ था, इसमें इस सर्किट से इसकी बेस चल रहा था। तो मान लीजिए आपका ये इस ट्रांजिस्टर में करंट आपका बढ़ गया अचानक। ओके, तो आप इसमें आउटपुट में शॉर्ट सर्किट वगैरह कर दिए, तो इसमें करंट अचानक बढ़ गया, तो इस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी और उसी वोल्टेज ड्रॉप से ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगी और ये इसकी बेस को ग्राउंड में खींच देगी, तो ये फोर्सफुल्ली शट डाउन हो जाएगा ये ट्रांजिस्टर। तो ये आपका करंट लिमिट हो गया। अब हम वोल्टेज लिमिट की बात करेंगे। तो वोल्टेज लिमिट कैसे किया जाता है, एक ऑप्टो कपलर से किया जाता है वोल्टेज लिमिटर। ओके, ऑप्टो कपलर में है एक्चुअल एक एलईडी। ओके, इसके अंदर तो ये जो चार पिन वाला कंपोनेंट है इसको ऑप्टो कपलर कहलाता है। ओके, तो इसके अंदर एक साइड में एक एलईडी है और एक साइड में एक ट्रांजिस्टर है। ऐसा अरेंजमेंट क्योंकि यहाँ पे हमें आइसोलेशन चाहिए, इनपुट साइड हाई वोल्टेज की है, आउटपुट साइड आपका लो वोल्टेज की है। इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके अंदर करंट लीकेज हो, तो यहाँ पे हाथ देने में शॉक लगेगा। तो इसलिए ऑप्टो कपलर के अंदर लाइट से काम होती है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहती। तो इस तरह पे एक फोटो ट्रांजिस्टर है, ये एलईडी जला तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगी। तो ये हो गया आपका वोल्टेज लिमिटिंग सर्किट। ओके, तो इस ऑप्टो कपलर से कैसे वोल्टेज लिमिट होती है दोस्तों, यहाँ पर आपका आउटपुट में मान लीजिए आपको 5 वोल्ट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपने एक 4.2 वोल्ट की जनरेटर डायोड लगा दिया। ओके, तो मान लीजिए ये 4.2 की जनरेटर डायोड, यहाँ पर आपको 5.2 वोल्ट चाहिए। ओके, तो ये ऑप्टो कपलर 1 वोल्ट ड्रॉप करेगी और इसमें 4.2 वोल्ट ड्रॉप होगी। तो जब ही ये 5.2 में पहुंचेगी तो ये जेनर और ऑप्टो कपलर दोनों साथ में ऑन हो जाएगी। अब आपको वोल्टेज कैसे बनती है वो दिखा देता हूँ। मान लीजिए इसकी स्विचिंग इस तरह से हो रही है। ओके, इस तरह से स्विचिंग हो रही है, तो ये जो स्विचिंग की ड्यूरेशन है ये आपका वोल्टेज को दर्शाएगा कि कितना वोल्टेज आपका आउटपुट में आएगा। ये ड्यूरेशन जितना कम होगी, मतलब ये ट्रांजिस्टर जितना कम टाइम के लिए ऑन रहेगी उतना ही कम वोल्टेज इसमें आएगा। तो हमें यह करना है, इसमें 5.2 वोल्ट पहुंच जाने पे इस ट्रांजिस्टर को किसी तरीके से ऑफ कर देना है। तो ये हमारा 5.2 वोल्ट में ये हमारा एडजस्ट हो जाएगी। ओके, तो इसलिए इस ऑप्टो कपलर अरेंजमेंट को बनाया गया है। तो ये 5.2 वोल्ट आने पे ये जेनर डायोड कंडक्ट करने लगेगी और इस एलईडी को जलाएगा और ये इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव करेगा। तो इसको एक्टिव करने से ये ट्रांजिस्टर आपका देखिए इस मेन ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्टेड है ताकि ये इसकी बेस को ग्राउंड में खींच दे। ओके, तो जब ही ये एक्टिव हो गया तो इसकी बेस को ये खींच देगा ग्राउंड में, तो इस ट्रांजिस्टर को ये फोर्सफुली शट डाउन कर देगा। ओके, तो इस तरह से इसकी ड्यूटी साइकिल को मेंटेन किया जाता है ताकि कितने टाइम के लिए ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगी, तो उसी से हमारा वोल्टेज की भी रेगुलेशन हो जाती है। ओके, तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया वोल्टेज रेगुलेशन करंट रेगुलेशन कैसे होती है और ये पूरा चार्जर की वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बता दिया। तो मैंने नहीं बताया जो कि यहाँ पे है ये जो डायोड है ये आपका कॉयल में जो आएगा वोल्टेज इसको फिल्टर करती है। तो इसमें कॉयल में जो वोल्टेज आएगा इसको बैक नहीं जाने देगा ये डायोड, तो ये वोल्टेज को इस कैपेसिटर में स्टोर करेगी। ओके, तो बाहर की जो कैपेसिटर है आउटपुट की उसी से हमारा आउटपुट निकल जाएगी यहाँ से। ओके, और ये जो 102 नैनोफैराड की कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो ट्रांसफार्मर के पास ही लगा हुआ है, ये इनपुट और आउटपुट के बीच लगा हुआ है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो तार की वाइंडिंग होती है इस वाइंडिंग में थोड़ा सा करंट की लीकेज होती है, क्योंकि दो कंडक्टर अगर बिल्कुल पास में रहे
तो उसके अंदर थोड़ा सा कैपेसिटेंस बन जाती है। तो ये वाइंडिंग भी एक कंडक्टर है और ये वाइंडिंग भी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच एक कैपेसिटेंस बन जाती है और इसमें थोड़ा सा करंट लीकेज हो जाती है। उसी लीकेज करंट को प्राइमरी में वापस लाने के लिए इस कैपेसिटर को लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाया गया है ये सस्ता कैपेसिटर है, ऐसे इस कैपेसिटर को यहाँ पर लगाना नहीं चाहिए। एक सेफ्टी कैपेसिटर वाई कैपेसिटर आती है, वाई क्लास वाई कैपेसिटर बोला जाता है उसको, तो उस कैपेसिटर को लगाने से सेफ्टी बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। यही होता है सिंपल चार्जर के वर्किंग प्रिंसिपल। तो अब हम कॉम्प्लेक्स चार्जर को देखेंगे किसी नया वीडियो में, तो इसलिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों मैंने दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था एक टाइमर बोर्ड के बारे में, तो इस टाइमर बोर्ड में एक घड़ी लगा हुआ है, इसमें अलार्म देके आप सेट कर सकते हो कि इसमें कितना टाइम तक आपको सप्लाई चाहिए। तो टीवी वगैरह चार्जर वगैरह आप चलाने के लिए टाइमर सेट करके आप सो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों इसकी सर्किट के बारे में आपने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी सर्किट की वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो रिकॉर्ड होने में एडिट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेके मैं बनाना चाहता हूँ उस वीडियो को, तो इसलिए आपको सर्किट को पहले दिखा देता हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऊपर आई बटन में जो वीडियो आ रहा है उस वीडियो को आप देख लेना और उसी से इस सर्किट के एक्सप्लेनेशन और पूरा सिस्टम आपको पता चल जाएगा। और रिमोट कंट्रोल की सर्किट आपको अभी बनाना नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा कैसे बनाना। तो आप इस सर्किट को बना लीजिए, आप रेडी रखना और बाद में आप इस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे। तो उस दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर चेक कर लेना इसकी वीडियो और इस सर्किट की वीडियो, वो पहले ही बना चुका है इस सर्किट की वीडियो। ओके, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग गाइज। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और अगर पसंद आया वीडियो तो इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।